वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नीति आयोग के बारे में आज हम पूरी विस्तृत जानकारी देखेंगे। इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम देखेंगे वो सवाल जो आपके परीक्षा में आते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा प्रधानमंत्री होता है, तीसरा राज्यपाल होता है, चौथा गृह मंत्री होता है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। UPSC से लेकर के आपका SSC लेवल में हर एक परीक्षा में ये सभी सवाल अवश्य आते हैं, तो रट लेना इनको। संचालन परिषद क्या है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये इनका संचालन परिषद है। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे देखिएगा, नीचे आप एक देख पा रहे होंगे, पदेन सदस्यता। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, और अगर तदर्थ सदस्य देखें तो तदर्थ सदस्य में जो होता है सदस्यता में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। देखते जाना, बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में फंसेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? CEO कौन होता है नीति आयोग का? भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, वो नीति आयोग का CEO होता है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे बोलते हैं। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित किया जाता है इसमें। आगे चलें, नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं, उनमें कौन कौन से हैं ध्यान देना। पहला है टीम इंडिया हब, दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं कौन कौन से हैं, तो आप इन नामों को याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि नीति आयोग के प्रमुख हब कितने हैं, 5, 7, 8, तो आप क्या बताएंगे? उसमें आप बताएंगे 2 प्रमुख हब हैं। राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है, उसका नाम है टीम इंडिया हब। ज्ञान और नवोन्मेष हब जो है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। और नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। चलिए आपको 5 मिनट के अंदर सब कुछ बता देते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है? यह मानते हुए कि मजबूत राज्य की एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संचालित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है। मतलब समझ गए कि ये राज्यों को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए एक प्रकार से बनाया गया। दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है और जो बातें हैं उनको ध्यान देना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना, सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तरित विकसित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ शामिल की गई हैं, ये उद्देश्य है नीति आयोग का। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये नीति आयोग का क्या है, उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, ये नीति आयोग का क्या है, उद्देश्य है। आगे आपको 1-2 उद्देश्य और दिखा देते हैं। योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना, नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंडे के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है। नीति आयोग में देश में कुल कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है। नीति आयोग की तुलना में योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता दी गई है। आगे भी देख लेना, इसी में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह योजना और गैर योजना के रूप में नहीं, बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होना चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में
सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचों का घाटा दूर हो सकता है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे तथा वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत CEO हैं। तो याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा जाता है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, तो ये इसको याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। ये आपके UPSC लेवल तक में पूछा जाता है, SSC और जो आपके और छोटी परीक्षाएं उनमें तो ज़रूर आता है। तो याद रखिएगा इसको, इसमें का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। कमेंट करके बताइएगा, इस सेशन को लाइक अवश्य करिएगा बाबू। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।